بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. وعجل اللهم فرجه مولانا صاحب الزمان. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Nabiyon ko jano series ke episode 27 mein, aaj hum Nabi Isa alaihi salam ke baare mein baat karenge. Allah ke 5 ulul azm Nabi mein se ye chauthe hain. Pehle Hazrat Nooh the, dusre Hazrat Ibrahim the, teesre Hazrat Musa the, chauthe Hazrat Isa hai. Aur aakhri hamare Nabi Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hai. जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का डिस्कशन हमने कल के एपिसोड में किया था. आज हम जो है डिस्कस करेंगे किस तरह अल्लाह ने जो है उनकी लाइफ को जो है रखा था. जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत एक मिराकल थी, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे, सिर्फ एक माँ से जो है जनाब ईसा की विलादत हुई. लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ और वो अल्लाह ने उनको एक मसीहा बना के भेजा था कि वो जो है लोगों की निजात का जरिया बने. तब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, उस जमाने में जो है मेडिसिन का जो है बहुत बोलबाला था, मेडिसिन जो है बहुत पॉपुलर थी, एडवांस हो रही थी. अल्लाह जो है जब भी अपने नबियों को भेजता है तो उनके जो मोजजात होते हैं वो उस जमाने के हिसाब से होते हैं. जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मैजिक बहुत हाई लेवल पे था, तो अल्लाह ने उनको एक ऐसा मोजजा दिया जो सारे मैजिक के ऊपर था. जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही थी, तो अल्लाह ने उनको एक ऐसा मोजजा दिया कि जो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर उस जमाने में नहीं कर सकता था, जो कि दो चीज थी. एक थी लेपर को क्योर करना. लेपर यानी जो कोढ़ की बीमारी होती, जो उंगलियां जो लोगों की कभी ऐसे हो जाती है ना वो, और दूसरा था मुर्दे को जिंदा करना. ये दो चीजें ऐसी थी कि जो उस जमाने के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं कर सकते थे. तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो है लेपर को क्योर करते थे और मुर्दों को अल्लाह के इज्न से जो है जिंदा करते थे. इसीलिए उनका एक जो लकब है वो रूहुल्ला भी मेंशन्ड है हदीसों में. एक बार जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबी जिनको हवारी कहा जाता है, कुरान मजीद में भी उनका जिक्र मौजूद है, एक बार जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ जो है जा रहे थे, उनके जो सहाबी थे, उनके जो कंपेनियंस थे, उनके साथ जा रहे थे एक घर के पास से. तब उन्होंने एक घर में देखा कि बहुत खुशी हो रही है, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज इस घर में खुशी है, कल इस घर में जो है मातम होगा. तो हवारियों ने सुना और आगे बढ़ गए. उसके बाद जब दूसरे दिन वहां से गुजर रहे थे तो कोई मातम की आवाज नहीं आई, जबकि खुशियां ही चल रही थी. तो कुछ जो मुनाफिकीन थे, रवायतों में मौजूद है कि वो लोग ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. तब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने गए उस घर में और कहा कि मैं जो है दुल्हन से बात करना चाहता हूं. जब दुल्हन के पास गए, दुल्हन आई, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल तुमने क्या कोई ऐसा काम किया था कि जो अच्छा था? कहा कि नहीं, मैं रेगुलरली हर शबे जुमा जो है, या हर जुमा जो है, हर पर्टिकुलर एक हफ्ते में एक दिन एक गरीब आता है, मैं जो है उसको जो है सदका दे देती हूँ. या कुछ रवायतों में है कि शादी का माहौल था और एक गरीब आया था और उसने कुछ जो है अपनी हाजत तलब की थी और मैंने जो है सदका निकाल कर जो है उसको दे दिया था. जनाब ईसा ने कहा कि इसी सदके ने जो है इसकी जान बचाई है. जब उसका बिस्तर हटाया गया तब उसके बिस्तर के नीचे एक बड़ा सा सांप दिखा जो मर गया था. जनाब ईसा ने कहा कि ये जहरीला सांप इसकी मौत का सबब था, लेकिन क्योंकि इस औरत ने, इस दुल्हन ने जो है सदका दिया, अल्लाह ने इस सदके से इसकी मौत को जो है डिले कर दिया और इस सांप को जो है मार दिया. उसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो है तबलीग करते जाते थे यहूदियों के बीच में, लेकिन क्योंकि यहूदी जो उलमा थे वो जो है, क्योंकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उनको बताते थे कि तुमने जो है अल्लाह के दीन में जो चेंजेस किए वो गलत है और अल्लाह ने मुझे इंजील अता की है और अब जो है इंजील जो है अल्लाह की शरीयत है, तो ये लोग जो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखते थे. एक बार उन्होंने प्लान बनाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जो है कत्ल कर दिया जाए. तब जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, जो कई रवायतों में मेंशन्ड है कि 12 थे, उनके साथ जो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे,
ये लोगों को पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक पर्टिकुलर जगह पे अपने हवारियों के साथ हैं, तो वो लोग जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने गए। अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानों पर उठा लिया। कुछ रवायतों में मेंशन है कि जनाब ईसा के एक सहाबी ने जो है वॉलंटियर किया कि अल्लाह जो है उसे जनाब ईसा की शक्ल दे दे और लोग उसे पकड़ ले, और कुछ रवायतों में कि एक सहाबी ने जो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया और उसने यहूदियों को बताया और अल्लाह ने उसी की शक्ल जो है जनाब ईसा जैसी कर दी और लोगों ने जो है उसे जो है जो क्रूसिफिक्स है, जो क्रॉस है जो हम आज तक देखते हैं, उस पे जो है उसको लटकाकर उसको मार दिया और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। आज तक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और इंशाल्लाह जल्द जब हमारे मौला वाका हजरत इमाम हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ का जुहूर होगा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ आएंगे और इमाम अल महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के पीछे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी के साथ। 5 मिनट्स एट 5 PM नबियों को जानो सीरीज। थैंक यू वेरी मच। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.